अस्सलामुअलैकुम, मैं काशिफ रजा जी के से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो रेसिपी है वो बड़ी ही मुनफरिद है और ये देसी रेसिपी है तो इसलिए सबको बहुत पसंद आती है। और मैं बकरे के पाए बनाने जा रहा हूँ, इसको छोटे पाए भी कहते हैं। और ये बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, इसमें मैं लिटिल बिट रेड मिर्च का यूज करूंगा और रेड चिली जो है वो बहुत माइनर सी होगी। असल में इसको मैं कहता हूँ कि ये काली मिर्च के पाए हैं। तो बिना वक्त जाया किए यू फैमिली चले हम अपने किचन में चलते हैं और जाके वहाँ बहुत टेस्टी और बहुत ही मजा आने वाला है आपको। चलें तो आए चलते हैं अपने किचन में और जाके हम बनाते हैं बकरे के पाए काली मिर्च वाले। जी तो यू फैमिली, जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है छोटे पाए के लिए, ये मैंने दो पाए अच्छी तरह साफ करवा के और उन्हें ऐसे कटवा लिया है, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो चाहिए जस्ट एक अदरक का इतना सा पीस मुझे चाहिए, इसको मैं काट के डाल दूंगा साथ। और मुझे एक टीस्पून नमक चाहिए, इसके अलावा अभी स्टार्ट में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यू फैमिली, अभी हमने अपने पाए रख दिए हैं और आग मैंने जला दिया है। इसमें मैंने एक टीस्पून आपको बताया था नमक का डाल दिया और ये अदरक जो मैंने आपको दिखाया था वो काट के ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो अब हम इसको पकने देते हैं। मैंने कुकर नहीं लगाया, मैंने आपको बताया था कि मैं इसको ऐसे ही बनाता हूँ और इसको मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरी अम्मी और मेरे सासू माँ जो हैं वो दोनों ही रात को इसको रख दिया करती थी और ये तकरीबन सारी रात हल्की आंच पे पकता था और फिर सुबह सुबह उठ के वो इसका मसाला तैयार कर रहा हूँ। मैंने ऐसे नहीं किया क्योंकि मैंने आपको इसकी रेसिपी देनी है तो मैं दिन में कर रहा हूँ, तो इसको ऑलमोस्ट कोई 3-3.5-4 घंटे लग जाएंगे। तो यू फैमिली, पायों के लिए जो अभी हमने मसाला और ग्रेवी तैयार करनी है उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक प्याज ली है मैंने, ये देखें ये साइज है उसका, इसको मैं काट लूंगा। इसी तरह इस साइज का मेरे पास लहसुन है और ये लहसुन भी हम इसको छील लेंगे और इस साइज का मैंने अदरक लिया है। इन तीन चीजों को मैं मिक्स करके तो ग्राइंड कर लूंगा थोड़ा सा पानी डाल के। और जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें सूखा धनिया जो है वो पिसा हुआ, बारीक पिसा हुआ, वो तकरीबन 1 चम्मच जाएगा। हल्दी 1/2 चम्मच, हाफ टी स्पून जिसे बोलते हैं। और साल्ट इसमें जाएगा वो भी 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, क्योंकि ऑलरेडी हम यखनी में नमक डाल चुके हैं। और इसी तरह रेड मिर्च जो है वो भी तकरीबन 1/2 टीस्पून जाएगी। काली मिर्च इसमें एंड पे जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगा कि काली मिर्च कितनी क्वांटिटी में हमने डालनी है। यू फैमिली, आपने देखा लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट बना के ग्राइंड करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं घी डालूंगा, मैंने 10 चम्मच घी के डाले हैं और घी में पकाइएगा क्योंकि घी में इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो यू फैमिली, अब इसमें हम अपने मसाला जार डालेंगे, 1/2 टीस्पून रेड मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें मैंने डाला है। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं, जो मैंने आपको बताया था कि ये तकरीबन 3.5 घंटे लग जाते हैं इसको इसकी यखनी तैयार करने में, तो वो जस्ट हल्की आंच पे। अगर आप आंच को तेज कर देंगे या हाई फ्लेम पे बनाना चाहेंगे तो इन दैट केस ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। और इसको भूनने में मुझे अब थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये देखें यू फैमिली, अभी हमारा जो मसाला है वो मुकम्मल भुन गया है। घी छोड़ दिया मसाले ने, इसका मतलब होता है कि मसाला भुन गया है। अगर हमें इसमें हल्का सा खर्चा हो तो मैं अपनी दूसरी पीली से थोड़ी सी यखनी निकाल के इसमें डाल दूंगा ताकि वो जले ना मसाला। और इसी तरह अगर आपने देखा कि पाए अभी नहीं गले और यखनी का पानी खत्म हो गया तो पानी और डाल लेना है आपने। मसाला हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है, अब इसमें हम तकरीबन 1/2 चम्मच काली मिर्च की डाल देंगे और इसको अभी मैं अच्छे से मैश कर लूंगा। 1 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगा और आई थिंक ये देखें घी हमारा अलग हो चुका है, मसाला हमारा अलग हो चुका है। तो अब इसमें मैं अपने पाए डाल दूंगा और दूसरे तरफ मेरे पाए तैयार हो रहे थे यखनी, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कितने अच्छे गल गए हैं। और अब मैं इसको इसमें डाल दूंगा
जितने पाए अच्छे तरीके से गले होंगे उतना ही अच्छा आपका टेस्ट आएगा और खाने में आपको मजा आएगा। और मेरी अम्मी वो बताती होती थी कि पायों का असल मजा जो है जब तक हाथों में चिपचिपाहट ना आए खाते हुए तो तब तक पायों का कोई टेस्ट नहीं है। तो ऑलमोस्ट दो पाए थे जो मैंने अब सारे इसमें निकाल लिए और अब इसको अच्छी तरह भून लिया। अगर आपको लगे कि नीचे थोड़ा लग रहा है तो पायों ही की यखनी आप थोड़ी सी इसमें डाल देंगे। कोई एक्स्ट्रा मैंने मसाला जात नहीं डाले, गर्मियां हैं और पाए पहले ही गर्म होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला मैंने। देखें क्या माशाल्लाह अच्छी रंगत आई है। वही जो आम घर में मसाले होते हैं वही इसमें डाले। ये देखें यू फैमिली, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या प्यारी रंगत आई है हमारे पायों की। और कलर देखें कितना मजे का है, घी छोड़ दिया है, ऑलमोस्ट मैंने इसे भून लिया है। तो अब जो हमने यखनी अपनी तैयार की है वो हम यखनी इसमें डाल देंगे। देखें कितनी थिक यखनी है, ऑयल है यखनी का अपना और क्या टेस्ट बनेगा। ये सारा कुछ इसमें मैंने डाल दिया है और अब हमने बस इसको पकने के लिए रखना है। और क्या वाइट वाइट रंगत है पायों की। और इतने ज्यादा मसाला जात इसलिए नहीं यूज किए कि पायों का जो असल टेस्ट है अपना टेस्ट वो खत्म हो जाता है। आपने इस रेसिपी को इस तरह ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि मैंने जो बात की है वो सही है कि नहीं। देखें यखनी का कलर कितना प्यारा है। अब माशाल्लाह जी, तो यू फैमिली देखें काली मिर्च के पाए क्या मजे के पाए बने हैं। इनका कलर देखें, मैंने जितनी ग्रेवी मुझे रिक्वायर्ड है ये देखें मैंने इसमें उतनी ही ग्रेवी शामिल कर ली है। इसको मैं किसी एक बोल में निकाल लूंगा। ये देखें ये गार्निशिंग के लिए मैंने ये रखा है। ऑलमोस्ट इसमें मैं ये डाल दूंगा अदरक अपना और थोड़ा सा मैं उसको रख लूंगा अपनी दूसरी प्लेट के लिए। जी तो यू फैमिली देखें हमारे पाए रेडी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कितने मजे के बने हैं काली मिर्च के पाए। आखिर में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और गरम मसाला डालने के साथ ही हमारे लजीज और उम्दा काली मिर्च के पाए कम्प्लीटली तैयार हैं। और आपको मैंने ये डिश आउट भी कर दिया है। और अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट और अपनी चाहतों से इसको शेयर कीजिएगा।